हृदेश कुमार यादव, आज बाहुल्ला का 200वां जन्मदिन है। पूरे विश्व के बाही लोग बाहुल्ला का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और इस पर्व पर क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? यहाँ पर नैतिक शिक्षा से संबंधित जो बच्चे हैं वो कार्यक्रम अपने कर रहे हैं, जिसमें डांस भी है और बच्चे अपने कार्यक्रम में प्रस्तुतियाँ कर रहे हैं, कलाकार के रूप में उनकी प्रस्तुतियाँ हैं। आज बाहुल्ला जी का पर्व है, वो किस चीज़ को लेकर है, क्या है? ये विश्व में ईश्वरीय अवतार जो 19वीं शताब्दी में आए हुए, पहले कुछ वर्षों में प्रारंभिक अवस्था में जो दो अवतार आए थे, जो बाहु और बाहुल्ला हैं, इनका 200वां वर्ष जो मनाया जा रहा है, जो इस संसार में पूरे संसार में एक साथ मनाया जा रहा है, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर, दो दिन। तो आगरा में भी एक क्षेत्र है जहाँ पर जो है सेवरे मैरिज होम में मनाया जा रहा है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि विश्व में जो अवतार आए हैं, जो मनुष्य के अंदर, मानव जाति के अंदर जो वैमनस्यता है, द्वेष है, हिंसा है, इसको जो उन्मूलन करने के लिए, जो इस समय जो साधु संत लोग हैं उनको रक्षा करने के लिए वो आए हैं, और जो दुष्टों का संहार हो उसके लिए वो प्रस्तुत हुए हैं। सर आपका नाम? डॉक्टर सतीश शुक्ला। आज क्या कार्यक्रम है? यहाँ पर हम लोग बहाई धर्म के संस्थापक बाहुल्ला, भगवान बाहुल्ला का जन्मदिन, 200वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हिंदुस्तान में, वैसे तो विश्व में 8 मंदिर हैं, जिसमें से एक हिंदुस्तान में भी है, नई दिल्ली में कालका जी के पास, जिसे कमल मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यह बहाई धर्म का प्रतिबिंब है और यह बहाई मंदिर है जहां पर सभी धर्म के लोग एक साथ बैठकर अपने धर्मों की प्रार्थना मौन होकर करते हैं। इसके लिए हमने, जो हम बच्चों को अपनी नैतिक शिक्षा की कक्षाओं में बताते हैं, प्रार्थनाएं सिखाते हैं, वो प्रार्थनाएं बच्चे प्रस्तुति कर रहे हैं, नृत्य और संगीत और गीत के कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं सारे बच्चे। यहाँ हम बाहुल्ला भगवान का 200वां जन्मदिन दिवस मना रहे हैं। भाई धर्म के संस्थापक भगवान बाहुल्ला का 200वां जन्मदिन हम आज यहाँ हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और क्या क्या कार्यक्रम आप लोग? कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम बच्चों ने आयोजित किए हैं यहाँ पे, और